हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं मिस इशु जिंदल, जिन्होंने अभी रिसेंटली जून 2019 के अंदर एनटीए नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर किया है इन कॉमर्स सब्जेक्ट विद 99.95 परसेंटाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांग्रेचुलेट हर फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम विद सच अ हाई परसेंटाइल। थैंक यू। सो मैम, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? हाय एवरीवन, आई एम इशु जिंदल। मेरी स्कूलिंग रोहतक हरियाणा से है। एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो उस टाइम मैंने डी यू और एम डी यू दोनों का फॉर्म फिल किया था, बट या ट्वेल्थ के बाद बट मेरी फैमिली मतलब इतनी कंफर्टेबल नहीं थी मुझे बाहर भेजने के लिए, क्योंकि एक्चुअली फैमिली में से कोई भी बाहर नहीं गया था अभी तक। या तो यही चाहते थे सब कि अगर हो सके तो एम डी यू से ही कर लो। तो ऐसे ही फैमिली को मनाते मनाते लाइक एक दो कट ऑफ निकल गई थी। ऑल्दो मेरे 95 परसेंटाइल थे, तो जो थोड़े ठीक ठीक कॉलेजेस थे लाइक उनकी परसेंटाइल निकल गई थी, और जो काफ़ी गुड कॉलेजेस थे तो उनका ये था कि वो इतनी 95 तक नहीं आएंगी। तो मुझे काफ़ी मतलब कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था कि मैं डी यू में एडमिशन ले लूँ। तो लेकिन मैं वेट कर रही थी कि कोई अच्छा कॉलेज हो। तो आई लाइक वेटेड टिल 10th कट ऑफ। तो 10th कट ऑफ में मैंने एडमिशन लिया था दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में, बी कॉम ऑनर्स में। या तो फिर मैंने बी कॉम ऑनर्स की डी सी एस सी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर काफ़ी परसेंटाइल मेरी अच्छी थी बी कॉम ऑनर्स में, तो ये था कि मेरा चांसेस थे कि मेरिट बेसिस पे हो जाएगा एम कॉम में। एम कॉम में जैसे दो होते हैं ना, एंट्रेंस एंड मेरिट बेसिस। तो ऑल्दो मैंने दिया था एंट्रेंस भी, बट मेरे को था कि मेरिट बेसिस पे हो ही जाएगा। तो मेरा फिर मेरिट बेसिस पे एम कॉम में हो गया था, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। या तो आपने मास्टर्स के साथ साथ ही आपने नेट जेआरएफ एग्जाम को क्लियर किया, या फिर आपने इसके बाद दिया है इस एग्जाम को? एक्चुअली जैसे ये था कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद सब बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लो, तो मुझे भी थोड़ा था कि ठीक है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो मेरा थोड़ा बैंकिंग एग्जाम्स में इंटरेस्ट था कि मुझे बैंकिंग एग्जाम्स क्रैक करने हैं। तो बैंकिंग एग्जाम्स मैं दे रही थी उस टाइम, और टीचिंग के लिए सभी बोलते हैं कि लाइक बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं होती है, आपको 5 to 10 ईयर्स लग जाते हैं कि आपको स्टेबिलिटी आएगी, या पी एच डी करनी पड़ती है, एंड आगे फिर एडहॉक गेस्ट टीचर्स भी लगते हैं। तो मतलब काफ़ी थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो उस टाइम पे मतलब बोलते हैं आपको टीचर्स। तो मुझे भी थोड़ा यही था कि ठीक है मेरे को टीचिंग में नहीं आना है, मेरे को बैंकिंग में ही जाना है। तो इसलिए मैंने नेट एग्ज़ाम्स वगैरह भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरा यही होता है अगर मुझे मतलब अगर कहीं जाना है तो मुझे जाना ही है, तो मुझे देना है, अगर मुझे देखे भी नहीं देखना, ठीक है यही होता है। तो इसलिए मैंने नेट एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही निकल गया कि ठीक है मैं बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी और वही दे रही थी। लेकिन सेकंड ईयर में एक्चुअली कुछ टीचर्स ऐसे आए थे, अच्छे टीचर्स थे, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि टीचिंग इज़ जस्ट नॉट प्रोफेशन। अगर आप टीचिंग करते तो इट्स मोर देन प्रोफेशन, एक्चुअली यू फील इंटरनली सेटिस्फैक्शन। एक मतलब आप एक इंस्पायर्ड रहते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो, आप कुछ लर्न करते रहते हो। टीचिंग इज़ नॉट अबाउट प्रोफेशन। तो मुझे जब ये फील हुआ तो फिर मुझे लगा ठीक है मतलब मैं टीचिंग में जा सकती हूँ, क्योंकि टीचिंग में इंटरेस्ट था पहले ही, पर मतलब वो स्टेबिलिटी एंड ये सब पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ऐसा हो जाता है कि ठीक है मुझे टीचिंग में नहीं जाना ऐसे। या लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक है मैं टीचिंग में जा सकती हूँ। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर में लाइक देखना स्टार्ट कर दिया था कि ठीक है अगर मुझे टीचिंग में जाना है तो मुझे नेट एग्ज़ाम देना है, फिर क्या क्या करना है। तो मैंने एम कॉम के लास्ट सेमेस्टर में जून 2019 में अपना नेट एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम, एंड जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था। सो बेसिकली आपकी जो मास्टर्स है वो जून 2019 में कंप्लीट हुई, या और आपने जून 2019 में ही नेट एग्जाम क्लियर किया। ओके, तो आप तो हम कह सकते हैं कि आपने मास्टर्स के साथ साथ ही इस एग्जाम को भी क्लियर किया। हाँ, मैंने थोड़ा वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम। ओके, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि आप इसके लिए कितने मंथ्स प्रिपेयर किया था आपने? और हाँ, एक्चुअली मैंने जैसे पहले तो मैंने देखा ही नहीं था कि नेट में लाइक क्या करना है कैसे करना है, बट सेकंड ईयर से ही मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स होती है, और कहाँ कहाँ से स्टडी मटेरियल रेफ़र करना चाहिए, इसका क्या सिलेबस है, मैंने थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने देखा कि ठीक है ये सिलेबस है, मतलब मुझे ये कंटेंट इसमें से मतलब कौन से नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप का लेवल होता है, तो ये सब देख के मैंने स्टडी मटेरियल डिसाइड कर लिया था, और थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी ले लिया था पूरे सिलेबस का कि ठीक है मैं यहाँ यहाँ से ये कर सकती हूँ, मतलब स्टडी मटेरियल मैंने पूरा तैयार कर लिया था। फिर आफ्टर एग्ज़ाम्स बट मैंने प्रॉपर 2 मंथ्स दिए थे, तब मैंने प्रॉपरली लाइक तैयारी की थी।
सो बेसिकली आपने पहले पास्ट ईयर पेपर्स को देखा और उसके बेसिस पे आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, उसके बेसिस पे आपने अपनी स्ट्रेटजी हाँ ये तो आपको करना ही चाहिए। मतलब अगर आपको नेट का एग्जाम देना है तो एटलीस्ट आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख के पेपर का पैटर्न समझना चाहिए कि ठीक है पेपर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तभी आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। या तो आपको पास्ट ईयर पेपर देख के थोड़ा लाइक देखो पेपर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप उनको अच्छे से कर पाओगे। या तो आपने मतलब 2 months की प्रिपरेशन इसके लिए करी थी? या 2 months मैंने प्रॉपर लाइक प्रॉपर सिलेबस एंड क्योंकि इसमें पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 तो मतलब पेपर 2 कॉमर्स होते हैं तो आपने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, आपको बेसिक बेसिक आइडिया होता है, बट पेपर 1 का इतना आपको नहीं आइडिया होता है। तो या 2 months में फिर मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 का पूरा फुल सिलेबस किया था। Yeah. तो आप इसके लिए कितने घंटे approximately, आप डेली कितने आवर्स पढ़ाई करते थे इसके लिए? For 2 months मैंने 6 to 7 hours दिए रेगुलरली। या उसमें भी जैसे टाइम डिसाइड करके कि मुझे पेपर 1 में कितना टाइम देना है, पेपर 2 में कितना टाइम देना है, तो इस तरीके से 6 to 7 hours रेगुलर। या सो आपने इस एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स को कौन कौन से सोर्सेज को रेफर किया आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? आप क्या हमें बताना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स को बताइए कि आप किस कौन कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं? या पेपर 1 के लिए मैंने केवीएस मैदान रेफर की थी, यू कैन ऑल्सो रेफर इट, इट इज़ अ गुड बुक। एंड पेपर 2 के लिए बेसिक ओवरव्यू मैंने ट्रूमैन से लिया था, बट आई विल से कि अगर आप ग्रेजुएशन में मतलब एक बार आप इंस्टीट्यूशंस का जो भी स्टडी मटेरियल होता है या फिर ट्रूमैन मतलब जो भी प्रॉपर बुक्स बनाई हुई है इनका आप एक बार देख लो कि किस तरीके से कितना सिलेबस है, बट आपको मेन स्टडी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की बुक्स में से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मतलब आपने पहले पढ़ा होता है तो मतलब आपकी ज़्यादा अटैचमेंट होते हैं उस स्टडी मटेरियल से। तो ठीक है, आप एक बार ओवरव्यू के लिए कोई भी दूसरा स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं, देन ग्रेजुएशन या मास्टर्स की बुक्स में से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, या सो बेसिकली ये भी देखा गया है कि जो गाइड बुक्स होती हैं जैसे कि आपने ट्रूमैन की बात की, तो इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, मतलब इनके ऑप्शंस जो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, बट इसके आंसर्स जो होते हैं वो ज़्यादा करेक्ट नहीं होते हैं इसके अंदर। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने कैसे वेरीफाई किया कि आंसर्स करेक्ट हैं, कौन कौन से आंसर इनकरेक्ट हैं? एक्चुअली मैंने मतलब जैसे फुल सिलेबस कर लिया था, मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर केवल बेसिक ओवरव्यू के लिए किया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा था, फिर मैंने क्वेश्चन पेपर मतलब सोल्व किया था, तो उस टाइम तक खुद मेरा थोड़ा बहुत लेवल हो गया था कि मुझे समझ आ रहा था कि क्या ठीक है क्या नहीं है। तो जो जिसमें भी डाउट्स आ रहा था तो उसमें या लाइक यूट्यूब चैनल्स पे काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सोल्व भी थे, तो मैंने वहाँ से भी थोड़ा रेफरेंस लिया था, और वैसे भी स्टडी मटेरियल काफ़ी अवेलेबल हो जाते हैं तो उसमें भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सोल्व थे, तो मैंने फिर क्रॉस चेक कर लिया था। बट आई विल से कि अगर मतलब आपकी जैसे एक बार अगर आप प्रॉपर टाइम दे के करते हो कि ठीक है, अगर आपने वो पहले प्रॉपरली सिलेबस किया है तो आपको खुद से इंट्यूशन आने लग जाता है, वो खुद से आइडिया हो जाता है कि ठीक है ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन ठीक ही होगा या ये क्वेश्चन गलत होगा। वो यही तो वो आपकी लाइक प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, तो उससे आपको वेरीफाई हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि देखिए जब आप पहले ही अपने सिलेबस को एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से, सो आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसका आंसर कौन सा सही हो सकता है। तो अगर आप गाइड बुक भी रेफर कर रहे हैं इसके लिए, सो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा आंसर इनकरेक्ट है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप गाइड बुक रेफर कर रहे हैं, इसके अंदर आपको लग रहा है कि इसके अंदर आंसर जो गिवन है, अगर मान लीजिए उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी गिवन है, बट आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सो इसके लिए आपको इंट्यूशन तभी आएगी जब आपने सिलेबस को एक बार अच्छे से कवर किया होगा। सो आप उसके लिए अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की बुक्स को रेफर कीजिए, सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि जब आप एग्जाम वाले दिन जब आप एग्जाम देने गई तो आपको लगा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है, बिकॉज आपने आप भी बताया कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था इस एग्जाम को लेकर। या आई विल से कि क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो कहीं ना कहीं टेंशन थी कि मतलब पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, बट इसमें मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा क्योंकि मैंने मतलब जैसे मेरे पास 2 months का पीरियड था तो मैंने 1.5 months में अपना सिलेबस कर लिया था। मैंने 15 days प्रॉपर क्वेश्चन
क्वेश्चन मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट को दिए थे. तो मतलब मैं रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रही थी, एनालाइज कर रही थी अपना, मतलब जैसे 3 आवर्स का टाइम होता है तो मैं देख रही थी कितना टाइम लग रहा है, कैसे मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी मेरी चल रही थी 15 डेज के लिए. तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया था तब तक इतने सारे मॉक टेस्ट सीरीज दे के और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करके कि ठीक है देखते हैं हो जाएगा. तो या स्ट्रेस था, टेंशन थी, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था कि ठीक है मैंने प्रिपरेशन अच्छे से किया है तो जो होगा अच्छा ही होगा. तो आपको काफी एग्जाम्स का एक्सपीरियंस होगा, जैसे आपने अभी बताया कि आपने बैंकिंग के काफी एग्जाम्स लिए हैं, उनकी काफी अच्छी प्रिपरेशन भी करी थी आपने. सो क्या आप अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रही हैं? नहीं, एक्चुअली जब मैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी तो मेरे को ये था कि ठीक है मुझे बैंक्स में ही जाना है. उस टाइम आई वाज लाइक प्रीटी क्लियर कि मुझे बैंक्स में ही जाना है, तो मैं किसी और एग्जाम को नहीं देख रही थी, आई वाज फोकस्ड. लेकिन जब जिस पॉइंट पे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग में आना है, तो मैंने प्रॉपर डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग जाना है तो मुझे बैंक में नहीं जाना है. तो अब मैं केवल टीचिंग के एरिया में ही कर रही हूँ और मैं बैंक एग्जाम्स वगैरह मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं दे रही हूँ. जो बेसिकली आपका पेपर 1 का टाइम है, जो जिसके लिए बेसिकली 1 आवर का टाइम दिया जाता है, और पेपर 2 जो है जिसके लिए 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है. पहले जो था इसके अंदर 30 मिनट्स का गैप दिया जाता था, बट इस बार इसके लिए कोई गैप नहीं दिया गया है, टोटल 3 आवर्स का टाइम दिया गया आपको पेपर 1 और पेपर 2 इसके अंदर दोनों अटेम्प्ट करने हैं. तो आप बताइए कि आपको पेपर 1 के लिए जब आप पेपर 1 अटेम्प्ट कर रही थी तो आप उसके लिए एक्चुअल में 1 आवर का टाइम लगा या उससे कम लगा या उससे ज्यादा लगा, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली जब जैसे पहले लाइक सेग्रीगेटेड टाइमिंग थी तो आपको एटलीस्ट ये था कि ठीक है मुझे 1 आवर में पेपर 1 ही करना है. बट जब ये कंबाइंड टाइम आ गया तो इस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप पेपर 1 करते रह गए और आपने टाइम नहीं ध्यान दिया तो आपको जो टाइम पेपर 2 के लिए चाहिए था वो चला जाएगा. एंड पेपर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर लाइक फाइनल ग्रेड्स, ठीक है. तो इस टाइम बहुत प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं मॉक टेस्ट. अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है. आपको आइडिया होगा कि ठीक है आपको कितना टाइम किस पर्टिकुलर सेक्शन को देना है. तो क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दी थी और उसमें मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैंने जैसे टाइम एलोकेट कर लिया था कि पेपर 1 के लिए आई नीड टू गिव 1 आवर, जिसमें से भी जैसे मुझे 50 to 55 मिनट्स में कंप्लीट करना था, 5 मिनट्स वॉज लाइक मार्जिन ताकि मतलब हो जाए, ठीक है. एंड फॉर पेपर 2 आई टुक टारगेट ऑफ 1.5 आवर, ठीक है. उसके बाद 1/2 आवर का मार्जिन था कि पेपर 2 में अगर मुझे चाहिए हो या फिर अगर पेपर 1 के क्वेश्चन रह जाए उसमें अगर चाहिए हो. तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे टाइम पीरियड को एलोकेट करके स्ट्रेटजी बनाई थी कि कैसे मुझे अपने टाइम को एलोकेट करके प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. एंड एक्चुअली इट वॉज बेनिफिशियल इन द फाइनल एग्जाम, या बिकॉज मैंने काफ़ी का सुना था कि उनका एग्जाम रह गया था इस कंबाइंड टाइम की वजह से. बट अगर आपने मतलब प्रॉपर एलोकेशन किया तो आप काफ़ी मतलब बेनिफिट ले सकते हैं इस चीज़ का. तो आपने अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स का मार्जिन दिया था इस एग्जाम के लिए. अच्छा, तो आप बताना चाहेंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या था, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का इस बार का? डिफ़िकल्टी लेवल वॉज मॉडरेट, मतलब अगर आपने प्रिपरेशन किए तो ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा. कुछ सेक्शंस को छोड़ के, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल भी आया था आपके बार और काफ़ी कैलकुलेटिव भी था कुछ सेक्शन, बट पेपर लेवल मॉडरेट था. अगर आपने प्रिपरेशन की थी तो आप उससे कर पाते. सो ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट था. सो अगर हम पर्टिकुलर यूनिट्स की बात करें, सो अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो उसके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड कुछ स्टैट्स के भी क्वेश्चन आते हैं लाइक सैम्पलिंग एंड सोर्सेज ऑफ डाटा, तो ये सब करना पड़ता है. रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड ऑल, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ओके, तो टाइप ऑफ रिसर्च सैम्पलिंग से इस सब के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे. ओके, तो अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, जिसके अंदर काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो आप बताना चाहेंगे उसका लेवल कैसा था डेटा इंटरप्रिटेशन का? डाटा इंटरप्रिटेशन का एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट था. डिफिकल्ट कैलकुलेटिव सेंस में था, मतलब ऐसे उसमें बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा था, बट वो कैलकुलेशंस उसमें इतने ज़्यादा थे कि वो एक मतलब स्टिपुलेटेड टाइम में आप नहीं कर सकते, और अगर आप उसे कर रहे थे तो आपका वो टाइम, क्योंकि आपने तो 1 आवर डिसाइड किया हुआ, या फिर अगर किसी ने टाइम नहीं डिसाइड किया होता तो उसे आगे दिक्कत आती. तो ये था कि इतने कम टाइम में प्रॉब्लम आई थी,
तो ये है कि ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कैलकुलेटिव था, बट अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है या फिर अगर आपने DI की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप उसे कर सकते थे। So, यहाँ पे देखा गया कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर जो DI का क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट यहाँ पे अगर आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं अच्छे से तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं पेपर वन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यूनिट कैसा आया था पेपर वन के अंदर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज क्वाइट इजी, इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन से आप पैसेज को पढ़ के डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज इजी। इजी था ये क्वेश्चन। सो अगर हम बात करें पीपल एंड एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन की, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे आप बताना चाहेंगे? पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन में पॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है, कमिटीज पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी आते हैं इसमें, तो आप इसमें करंट अफेयर्स से भी थोड़ा आपको रहना पड़ेगा अपडेटेड। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, अगर आपने प्रीवियस ईयर किए हैं और थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते थे, ऐसा था। So, आप देख सकते हैं जो पीपल एंड एनवायरनमेंट है और जो हायर एजुकेशन है, इसमें कमिटी से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नाउ देखिए, अभी जो है May 31st को न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट लॉन्च किया गया है, सो इसके जो चेयरमैन थे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो आप इसको चेक कीजिए और हमें कमेंट में करके बताइए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 आई है इसके चेयरमैन कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम पेपर टू की बात करें, जो बेसिकली कॉमर्स का पेपर था आपका, तो उसके अंदर कैसा डिफिकल्टी लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चन थे ओवरऑल अगर हम देखें तो? उसमें ओवरऑल क्वेश्चंस मॉडरेट थे, या ओवरऑल मॉडरेट ही थे, लेकिन जैसे कुछ सेक्शन थे जैसे टैक्स में, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में, उसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे, तो अगर आपने इन डेप्थ किया हुआ है टैक्स तो आप कर सकते थे, अदरवाइज आपको दिक्कत आती है उसमें। एंड अकाउंट्स में एंड फाइनेंस में अब की बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे कंपेयर टू लास्ट जो भी मैंने देखा था, तो अब की बार थोड़े प्रैक्टिकल भी आ रहे थे, बट वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे जितना मैंने देखा, कि ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज या फिर बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्ट यूज हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उनको कर पा रहे थे। और HR एंड OB वगैरह में तो वही थ्योरीज एंड ऑल होते हैं, कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि पेपर टू जो बेसिकली कॉमर्स का पेपर था, इसके अंदर क्या लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? पेपर टू भी मॉडरेट ही था, कुछ सेक्शंस में था कि ठीक है काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो वो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो अभी आप अटेंड कर सकते थे, अदरवाइज पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। तो इस बार जून 2019 से कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड किए गए थे, जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग ऐड हुआ था, लॉ भी आपकी ऐड कर दी गई है, एक कंप्लीट यूनिट ऐड किया है, स्टैट्स के साथ आपका रिसर्च भी ऐड कर दिया गया है, सो इसके अंदर काफी चेंजेस किए गए हैं, तो आप बताना चाहेंगे जो इनकम टैक्स का पोर्शन है और जो लॉ का पोर्शन है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आते हैं 9 to 10 क्वेश्चंस, ठीक है। अब की बार टैक्स में से काफ़ी डेप्थ वाले क्वेश्चन आए थे, अगर आप अगर आपने एक्चुअली फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, अगर आपको नॉलेज थी तभी आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे, अदरवाइज नहीं कर पा रहे थे। एंड लॉ में से जैसे आपके पास लॉ फर्स्ट टाइम आया था, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक जो भी जैसे बेसिक जो भी सारे लॉज है, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उस टाइम कर पा रहे थे, बट अब की बार एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा वो डेप्थ भी जाए, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम था बट अब सेकंड टाइम हो चुका है। या एंड सो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस सब्जेक्ट को, तो उससे काफी इजी क्वेश्चंस पूछेंगे। हां, लास्ट टाइम इजी क्वेश्चंस थे। अप्रोक्सीमेटली कम से कम 10 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं अपने पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए, सो आपका काफी अच्छा स्कोर हो सकता है अगर आप इस यूनिट को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि पेपर वन और पेपर टू इन दोनों में से आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? एक्चुअली मेरा पेपर टू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैंने पेपर जैसे पेपर टू बी कॉम में भी पढ़ा है, एम कॉम में भी पढ़ा है और थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी है, तो पेपर टू मेरा स्ट्रॉन्ग था. बट इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी जैसे पेपर वन से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है. लाइक हम सोचते हैं कि ठीक है मुझे कॉमर्स में करना है तो मैं कॉमर्स को ही ज़्यादा फोकस होकर करती हूँ, पेपर वन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इससे ओवरऑल स्कोरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए पेपर वन और पेपर टू दोनों को टाइम देना चाहिए. बट हाँ, मेरा पेपर टू स्ट्रॉन्ग था. अच्छा, या ओके. चलिए अब हम बात करते हैं. देखिए बेसिकली आपको 3 आवर्स का टाइम दिया गया, तो क्या आपको टाइम की शॉर्टेज पड़ी इसके अंदर कि मतलब आपका 3 आवर्स से पहले ही हो गया एग्जाम, या उसको आपको लगा कि टाइम कम है इसके लिए? नहीं, एक्चुअली मुझे टाइम तो शॉर्टेज नहीं पड़ा क्योंकि मैंने प्रॉपर क्योंकि टाइम एलोकेट किया हुआ था. तो मैं जैसे मैं स्ट्रैटेजी बना के गई थी मैं उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही थी एग्जाम हॉल में भी. या तो फिर जो हाफ एन आवर मार्जिन में था, हाँ वो मेरे 15 to 20 minutes यूज़ हो गए थे और मार्जिन पेपर्स केवल 10 मिनट्स बचा था. बट हाँ, 10 मिनट्स में भी मैंने देख लिया था पूरा एग्जाम और ये हो गया था कि ठीक है आई एम डन विद माई एग्जाम. या तो कोई शॉर्टेज नहीं हुई मुझे. आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कर देंगे कि आप कैसे कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? आप बेसिकली अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करें तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर कैसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अंदर कैसी यूनिट्स, हर एक यूनिट के अंदर कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आप इस बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? या फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि सबसे पहले आपको इनफैक्ट कॉमर्स में नहीं, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है नेट का तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखो. क्योंकि क्या होता है ना, सिलेबस से आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या करना है आपको, है ना. तो सबसे पहले आप पूरा सिलेबस देखो, फिर आपको स्टडी मटेरियल डिसाइड करना चाहिए. जैसे जैसे ट्यूमेन है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन का स्टडी मटेरियल है वो है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बुक्स हैं, तो आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या क्या रेफ़र करना है. फिर आई विल से आपको क्विजेज एंड क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करने चाहिए क्योंकि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को बूस्ट यही देंगे. क्योंकि अगर आप ओवरऑल सिलेबस करते हो लाइक आपको लगता है कि आपका हो गया बट काफ़ी पॉइंट्स मिस हो जाते हैं जो कि आपको क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है. तो आपको क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो कंपल्सरीली आपको अच्छे से करने चाहिए. पेपर वन पे भी फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीक है पेपर टू करना है. पेपर वन को अच्छे से फोकस करना चाहिए. और आई विल से कमांड योर बेसिक्स बिकॉज अपार्ट फ्रॉम सम फैक्चुअल क्वेश्चंस आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हो. इनफैक्ट आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो. मतलब अगर आपको कई बार प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आप ऑप्शंस के बेसिस पे, क्योंकि आपके बेसिक्स होंगे आप जानते हो कि लाइक ठीक है क्या क्या है, तो आप एलिमिनेशन बेसिस पे भी कर पाते हो. तो अपने बेसिक्स पे कमांड करनी चाहिए. लेकिन मतलब जैसे सारे बेसिक्स करके एक दो सब्जेक्ट्स आपको इन डेप्थ भी करने चाहिए क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हाई है. तो आपको मतलब लाइक गुड क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे, स्कोर तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से पढ़ा है. एंड आई विल से सारे सब्जेक्ट्स कीजिए क्योंकि कई बार बच्चे लाइक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ठीक है 10 सब्जेक्ट्स है, जैसे पेपर टू में 10 सब्जेक्ट्स है तो 10 में से अराउंड 10 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं 7 to 8 सब्जेक्ट्स कर लेती हूँ अच्छे से ताकि 2 सब्जेक्ट्स इट्स ओके. बट ये स्ट्रैटेजी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि कई बार क्या होता है जो सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर किए होते हैं उनमें से भी कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपकी ओवरऑल कट ऑफ नहीं बन पाएगी. तो इससे बेटर आप 10 के 10 सब्जेक्ट्स कीजिए बट आपके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग आप कुछ सब्जेक्ट्स को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं. या तो लाइक ऑल द बेस्ट, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप कर पाओगे. या सो आप मतलब आपका नेट JRF भी क्लियर हो चुका है और आपकी मास्टर्स भी कंप्लीट हो चुकी है. क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने वैकेंसीज को फिलअप किया है, कोई वैकेंसी जो भी निकल रही है, या आपने कहीं PhD के लिए अप्लाई किया हो? एक्चुअली वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए आपको एडहॉक पैनल में रजिस्टर करना पड़ता है. तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो रजिस्टर करके फिर आई कैन अप्लाई फॉर लेक्चरारशिप. एंड फॉर PhD आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन माई रिसर्च प्रपोजल, देन आई विल अप्लाई फॉर PhD. ओके, या देखिए अगर हम जून 2019 के पेपर की बात करें सो कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1,11,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए थे इस एग्जाम के लिए, जिसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 86,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इस एग्जाम के लिए, और उसके अंदर से 278 कैंडिडेट्स का JRF क्लियर हुआ है इस बार. और यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ थी 68% कट ऑफ रखी गई थी फॉर जनरल कैंडिडेट्स JRF के लिए, जिसके अंदर से इन्होंने 72% मार्क्स सिक्योर करे हैं. सो वी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट हर. थैंक यू. सो ये हमारी टीम अनुज जिंदल की तरफ से आपके लिए गेस्ट. थैंक यू सो मच.
सो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज़।